वही कोटा शहर के नाता थाना क्षेत्र के करणी नगर में एक ऑटो चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक को तबियत खराब होने के बाद एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शक पैदा करने पर पुलिस द्वारा उसके शव का आज पोस्टमार्टम करवाया है। नाता थाने के एएसआई ईश्वर सिंह ने बताया कि मृतक का पोस्टमार्टम करवाया गया है, रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। कोटा से तेजपाल बग्गा की रिपोर्ट। ये है मृतक देवी सिंह शर्मा गोपियाल निवासी नाम का। ये कल चार पाँच बजे उसकी तबियत खराब हुई थी, उसके परिजन लाए जो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करवाया, देवीलाल बंजारा इकलेरा का रहने वाला था। यहाँ 10 साल से ऑटो चला रहा है, रोम में नानता करणी नगर में रहता है। इसके बाद वो ऑटो चलाने के बाद ही घर पर आया तो इसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। अचानक बेहोश होने के कारण ये क्या है कि इसको एम्बुलेंस में लाया गया, डॉक्टर साहब ने इसको मृत्यु कर दे दिया। अब ये बेचारा गरीब होने के बावजूद कुछ इन लोगों का मांग है कि अगर कुछ गरीब व्यक्ति को कुछ सहायता राशि अगर मिले तो गवर्नमेंट इसकी सहायता दिलाया जाए। क्या नाम था इसका? इसलिए आप मीडिया वाले से मेरे से रिक्वेस्ट है कि कुछ इनकी मदद किया जाए। इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं दुख की घड़ी में खड़ा हूँ।